दोस्तों वेलकम बैक टू मीराजपुर खाना। आज मैं अंडा मसाला करी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो कि देखने में तो बहुत ही लाजवाब दिखने वाला है और टेस्ट में क्या ही कहने हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये हमने लिए हैं 4 उबले हुए अंडे, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, जीरा पाउडर है और गर्म मसाला। 1 बड़े प्याज को हमने इस तरह से कट कर लिया है, और साबुत जीरा है 1 छोटा चम्मच, और बेसिक से मसाले हैं धनिया, धनिया हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च जो कि तीखी नहीं होती है बिल्कुल भी, और ये हल्दी 1 छोटा चम्मच, और 1 बड़े टमाटर का हमने प्योरी बना लिया है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अंडे को इस तरह से धागे से कट कर लेंगे। कट करने के कई फ़ायदे हैं, इससे तो जो मसाला होगा वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप कट कर लें, नीचे से ये जुड़ा ही रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये नीचे से इस तरह से है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी चुटकी भर डाल देते हैं, इससे थोड़ा सा इसमें नमक एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल फीका नहीं लगेगा। तो 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक हमारा पैन में तेल गर्म होने देते हैं, और ये हमारा तेल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई करते हैं। अभी हमने इस पर मिर्च नहीं डाली थी, मिर्च हम बाद में डालेंगे, नहीं तो जब हम तलते हैं तो वो हमारा मसाला जो ये तेल जो है वो बिल्कुल जल जाएगा मिर्च की वजह से, और फिर जो है ग्रेवी हमारी ख़राब सी लगेगी, तो इसलिए मिर्च पहले ना डालें, जब ये तल जाए फिर डालें। ये फ्राई हो चुका है, अब इस पर हम हल्का सा मिर्च इस तरह से डाल लेंगे, और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अब हम निकाल लेते हैं। तो इसी तेल में हम डालेंगे मसालों को। हमने डाल दिया है जीरा और लौंग, तेजपत्ता, और ये प्याज कटा हुआ। प्याज को आप बारीक ही काटिएगा जिससे कि अच्छा सा इसका ग्रेवी का टेक्सचर आता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, और इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये हल्का सा इसमें कलर सा आ जाए, बस इतना ही हम भूनेंगे। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और इसे भी साथ में भून लेंगे। थोड़ा सा इसे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ये टमाटर प्यूरी। अब मसाले थोड़ा सा भून गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर प्यूरी जैसे हम डालेंगे वैसे ही हमें डालना है नमक, जिससे कि हमारे जो नमक डालने से अच्छे से मसाले जल्दी से भुनेंगे। तो नमक टमाटर डालते ही आप नमक डालें, और इसे अब काफ़ी देर तक भूनना होगा, कम से कम 3 से 4 मिनट, जब तक इसमें से तेल ना निकलने लगे, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। आपकी इस तरह से मसाले अगर भूनेंगे तो आपके जो अंडा करी है वो बहुत ही टेस्टी सी तैयार होगी उसकी ग्रेवी। तो अब हम ये मसाले सूखे डाल देते हैं, और इसी के साथ फिर से एक बार हम इसे चलाते हैं और भूनते हैं, जब तक कि इसके सूखे मसालों के निकल ना जाए कच्चापन, और तेल भी छोड़ने लगे मसालों से, तभी हम इसे भूनना बंद करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा एरोमा आएगा, और आपकी जो करी है वो बहुत अच्छी सी बनेगी। और देख सकते हैं बिल्कुल मसाला हमारा सूख चुका है और तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब इसे थोड़ा सा और ढक देते हैं, थोड़ा सा और कुक हो जाए। आप देखें, अब इसके साथ हम डाल देंगे पानी। जितनी ग्रेवी आपको रखनी हो उस हिसाब से आप पानी डालें। तो अब मसाले, अब इसे हम थोड़ी देर 2 से 3 मिनट पकने देंगे, और हम लगा देते हैं लीड। और मसाले देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं, और साथ में हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च। हमने 1 छोटी हरी मिर्च डाली है, आप ना चाहें तो ना डालें। और साथ में हम डालेंगे फ्रेश फील करने के लिए हरी धनिया भी। तो मसाले बिल्कुल पक चुके हैं, अब हम इसमें अंडे को डालेंगे जो हमने फ्राई किया था, और इसे 1 से 2 मिनट
मसाले में अब्जॉर्ब होने देंगे। और इसे हम तेज आंच पे इस तरह से मसालों को अब्जॉर्ब होने देंगे। इसके ऊपर थोड़े थोड़े मसाले भी पोर कर देंगे और थोड़ा सा ढक देंगे जिससे ये जो स्टीम बन जाए अंदर तक चले जाए। तो ये देखिए हमारी अंडा करी बनके रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं चाहे तो नान के साथ, चपाती के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है और आप भी बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। तो सभी ज़रूर पूछेंगी कि आपने इसे कैसे बनाया, तो आपकी तारीफ होगी। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जब आपने बनाया था तो आपकी ये करी कैसे बनके तैयार हुई। अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।